बाकी आयोजन मंडल अपना काम करेगा। स्वागत करता हूँ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि आज हम उस विदाई कार्यक्रम में मौजूद हैं जब वाकई शीर्ष साहब को याद कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये उम्मीद भी पूरी तरीके से करता हूँ कि हमारे एक्शन साहब भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, बहुत हमारी सुनेंगे। मैं आज महेंद्रगढ़ की जनता की तरफ से, अपने सभासद गणों की तरफ से, क्योंकि मेरे साथ सभासद हमारे मनोज गुप्ता जी हैं, ये इनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा, हमें सहयोग करते हैं। चाहे कि कोई भी काम को नगर हस्तांतरण दूसरी जगह होता है उनको आना पड़ता है, तो मैं इन दोनों का करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। और जहांगीराबाद के लोगों ने भी आपको बहुत प्यार दिया, तो बहुत अच्छे योग व्यक्ति हैं। मेरी तो 2 मिनट बात हुई है, लेकिन बहुत अच्छे योग व्यक्ति मुझे लगते हैं बातों से। मुझे लगता है कि जहांगीराबाद को क्या काम करेंगे। और जो अभी जिन्होंने यहाँ पर चंद्रा जी, जिनको एसडीओ जहांगीराबाद का चार्ज मिला है, मैं उन्हें काफी समय से जानता हूँ, बहुत अच्छे साधारण व्यक्ति हैं। जहांगीराबाद को अच्छा काम देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा एक ही बस निवेदन है, सभी विभाग के लोग बैठे हैं, चाहे वो डीजीटी हो, चाहे जेई हो, चाहे वो एसडी हो, कोई भी कंज्यूमर काम के लिए जाता है, काम होना ना होना ये बात की बात है। मेरा मानना यह, उसके साथ व्यवहार अगर अच्छे से होगा तो वो अपने काम को ही भूल जाएगा। तो पहला नंबर व्यवहार है, अगर व्यवहार आपका अच्छा होगा तो हम एक बार काम हमारा हो ना हो हम खुश होकर आ जाएंगे, हमारे साथ व्यवहार अच्छा हुआ। व्यवहार सभी, जो चाहे वो जेई साहब हो, चाहे वो डीजीटी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, जनता के प्रति व्यवहार अपना सबके लिए। और जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे एनजीओ साहब आदित्य बसी जी को। सबकी आंखें नम हो चुकी, नम इसलिए हो चुकी क्योंकि जो 5 साल का कार्यकाल एसडीओ आदेश वशिष्ठ ने दिया उसको सब याद कर रहे हैं। वो पल याद कर रहे हैं कि शायद उन्होंने जो उनको डांटा था, क्योंकि डांटना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डांटने को कोई याद नहीं करता, लेकिन आदेश वशिष्ठ के उस डांट को याद कर रहे हैं, वजह क्योंकि उनसे उन्होंने कुछ सीखा है, ये उनका कहना। मेरे साथ आदेश वशिष्ठ जी, आज विदाई समारोह हुआ है और शायद आज आखिरी दिन है आपका, 5 साल आप हमारे साथ रहे, हमारे परिवार की तरह रहे, क्या कहना है उस परिवार से, विद्युत विभाग परिवार से और उस जनता से जो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी रही? क्षेत्र की जनता, नगर की जनता, मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों के बल पर ही मैंने यह मुकाम हासिल किया, अकेले मैं यह नहीं कर सकता था। इसमें मेरे कर्मचारियों का अथक प्रयास और क्षेत्र की जनता का सहयोग इस मेरे सफर में सम्मिलित रहा, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। अच्छा, और कर्मचारी ये कहा करते थे जब हमारी उनसे बात हो रही थी, आदेश जी हमें सुबह जरूर डांटते थे लेकिन शाम को प्यार भी किया था। वो डांट एक कार्य हित में हुआ करती थी, जिससे उपभोक्ताओं को एक अच्छी सेवा मिले और कर्मचारियों को एक अनुभव मिले। लेकिन जब कर्मचारी डांट के पश्चात कार्य सही करता है तो हमारा फर्ज बनता है उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसका उत्साहवर्धन किया जाए। आपने कहा था कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था और यहाँ रहना नहीं चाहता, लेकिन इतना लगाव हुआ, इतना प्यार मिला कि आपको 5 साल हो गए पता भी नहीं चला शायद। हाँ, यह एक कटु सत्य है। मैं आशंकित था कैसा स्थान होगा, कैसी जगह होगी, कैसे लोग होंगे, लेकिन जब मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण कर लिया और कुछ माह व्यतीत किए, इसमें कुछ परिश्रम किया, सप्लाई किया, आप व्यवस्था ठीक हुई, रेवेन्यू ठीक हुआ, उसके पश्चात मुझे यह पता नहीं चला मेरा यह लगभग 5 साल का कार्यकाल कब पूरा हो गया। क्या कहना चाहते हैं जनता से और अपने विभाग से, उन लोगों से जिनको आज आप छोड़कर जा रहे हैं? मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो जैसा प्यार मुझे दिया है ऐसा ही प्यार मेरे आने वाले साथी को दें, और अपने साथियों से यही करूंगा कि उपभोक्ता को एक बहुत प्यार से डील करें और उपभोक्ता को भी इसी प्रकार समझें जैसे हम भी कहीं किसी के उपभोक्ता हैं, हमारे माँ बाप भी कहीं किसी के उपभोक्ता होंगे। यदि हम इसी प्रकार का भाव अपने उपभोक्ता के प्रति रखेंगे, मृदु भाव रखेंगे, तो हमको कामयाबी अवश्य मिलेगी और उपभोक्ता का प्यार भी मिलेगा और हमारा कार्य भी संपन्न होगा। चलिए, हमारे साथ आदेश वशिष्ठ जी, जो कि आज
भवभीनी विदाई हुई है, क्योंकि आज 5 साल हो चुके हैं, पोस्टिंग हो चुकी है अन्य मुरादनगर शायद। हाँ, मुरादनगर पोस्टिंग हो चुकी है। मुरादनगर विद्युत वितरण खंड मुरादनगर के अंतर्गत उपखंड तृतीय जो डासना मसूरी के पास है वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई है। आदेश जी कह रहे हैं कि अधिकारी उनके बीच से जा रहा है लेकिन जो भाई उनके साथ उनके हमेशा बीच रहेगा, ये कहना है आदेश वशिष्ठ जी का। और वो अपेक्षा भी कर रहे हैं जो मेरे साथी मुझको प्यार दिया है वो जो आने वाले साथी है उसको भी वही प्यार देंगे, ये कहना है आदेश। चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लिख कर शेयर जरूर करें। नमस्कार। जो हमारे आयोजक मंडल है उनकी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ कि आपने अपने बहुत समय से, और ये बताता है कि कितने अच्छे तरीके से हमारे एसडीओ साहब ने यहाँ पर हर व्यक्ति का उन्हें मन मोह लिया है। तो ये हमारी शुभकामना है इन्हें। ये बात अलग है कि मुझे इस बात का कष्ट है कि मुझे आकर के पहला काम इनको रिलीव करने का करना पड़ा लेकिन ठीक है, ये एक पार्ट है। जैसा प्यार और लगाव इनको यहाँ जहांगीराबाद से मिला है, मेरी अपेक्षा है जहां भी ये जा रहे हैं इससे भी अधिक लोग बाग इन्हें सपोर्ट करेंगे और इन्हें वही सम्मान जो आप लोगों ने दिया हुआ है इन्हें वहां हासिल हो। जब एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा कर्मचारी कहीं से विदा होता है तो आने वाले जो लोग हैं और जो उपस्थित स्टाफ है उसकी और भी कड़ी परीक्षा हो जाती है। हमारा जो हमारा स्टाफ जेई है या हमारे DG2 है या हमारे लाइनमैन है, ये उनके लिए मतलब एक आप सच्ची विदाई यही होगी कि आप यहाँ के जो जनमानस है उनको एसडीओ साहब की कमी महसूस होने नहीं देंगे। बाकी ये हमें याद आएंगे, हम इनको बार बार बुलाएंगे लेकिन इस वजह से इनकी याद नहीं आनी चाहिए कि एसडीओ साहब आज नहीं है, होते तो वो जो है अभी सड़क पे कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते। या ये जैसा इन्होंने बताया कि भाई जो टेक्निकल है पंखा चल रहा है कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमें ये जरूर लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, हम प्रयासरत हैं और हमारे द्वारा पूरी जो है ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति समझदार है, वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर उसे ये लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कहीं जागरूकता में कमी हो गई है इनके जाने से, तो जरूर कहीं ना कहीं आप कहीं जिम्मेदारी हमारे विनेश चंद्रा जी की है और मैं इनसे अपेक्षा रखता हूं कि अभी चूंकि इनके पास